आज हमने बिना गैस जलाए बिना पिज्जा सॉस का इस्तेमाल किए सिर्फ 5 मिनट में पिज्जा चाट बास्केट बनाई है। शाम के वक्त छोटी सी भूख में इसे बना के हम सर्व कर सकते हैं। ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं पिज्जा चाट बास्केट। पहले हम इंस्टेंट पिज्जा सॉस बनाएंगे। 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे, 1/2 टीस्पून ओरेगानो, 1/2 टीस्पून ड्राई बेजिल लीव्स। इस तरह से बेजिल लीव्स आता है, ये हमें लेना है। ओरेगानो और बेजिल लीव्स के बदले में 1 टीस्पून मिक्स हर्ब डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 पिंच नमक, नमक ज्यादा नहीं डालना है। मिक्स कर लेते हैं। सॉस को थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहती हूँ, इसके लिए 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और डाल रही हूँ। इंस्टेंट पिज्जा सॉस रेडी है। अगर आपके पास घर में पिज्जा सॉस पड़ा है तो आप इसके बदले में पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल सब मिक्स कर लेते हैं। 1/4 कप बॉयल कॉर्न लिया है, 1/4 कप कैप्सिकम बारीक चॉप, 2 टेबलस्पून बारीक चॉप प्याज। प्याज अगर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और 1/4 कप टमाटर को हमने चॉप किया है, टमाटर का बीज निकाल के इसे बारीक चॉप करना है। इसे बाउल में ले लेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ड्राई बेजिल लीव्स, 1/4 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक लेना है। हमने यहाँ पे बॉयल कॉर्न डाला है। अगर आपके पास बॉयल कॉर्न नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। और जो कोई भी सब्जी आपके पास है, रेड येलो कलर का कैप्सिकम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। पनीर अगर आपके पास है तो पनीर का क्यूब एकदम छोटा छोटा करके डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। सॉस हमने बनाया है, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून वेजिटेबल मेयोनीज डालेंगे, 1 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स और 1 टेबलस्पून एलोपिनो मैंने लिया है बारीक चॉप करके। आपके पास ये है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 क्यूब प्रोसेस चीज का हम कद्दूकस करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास ये मसाला चिप्स है, पेरी पेरी मसाला चिप्स है। आप कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, टोमेटो फ्लेवर की भी ले सकते हैं। ये मसाला चिप्स मैंने ली है, इसे हम तोड़ के डालेंगे। छह सात चिप्स तोड़ के डाल देना है इस तरह से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चाट बास्केट लिया है, इसके अलावा कैनापी आता है वो भी आप ले सकते हैं। सेव पूरी की पूरी जो पापड़ी आती है सेव पूरी बनाने के लिए वो भी आप ले सकते हैं। इसे आप पानी पूरी की पूरी में भर के भी बना सकते हैं। ये हमने पिज्जा का मिश्रण बनाया है, ये बास्केट के अंदर भरेंगे हम इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। शाम के वक्त छोटी सी भूख में आप इसे 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। ये बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आएगा। इस तरह से हम सारे बास्केट में भर लेते हैं। बास्केट हमने भर के रेडी कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज कद्दूकस करेंगे। ऊपर ऑलिव की रिंग रखेंगे इस तरह से।
ऊपर ये चिप्स रखेंगे। पिज्जा चाट बास्केट रेडी है। तो एकदम आसान तरीके से बन जाए ऐसी पिज्जा चाट बास्केट रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।